दिला दे घर दिला। हेलो फ्रेंड्स, सोच नहीं रसोई वही चैनल पर आपका स्वागत है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही नई नई डिशेज आपके लिए आगे भी लाते ही रहेंगे। बनाने जा रहे हैं मोमोज। तो ये मैंने मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार करना है, और डो तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप मैदा। ये 100 से 150 ग्राम मैदा है, तो इसको हमें एक बर्तन में डाल लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक, आधी स्पून के करीब नमक, और थोड़ा सा इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल या तेल जो भी आपको डालना है वो डाल लीजिए इसके अंदर। और इसका एक डो तैयार कर लेना है हमें, हल्का हल्का पानी डालते हुए, गुनगुना पानी क्योंकि सर्दियां हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेना है हमें। तो देखिए ये हमारा डो तैयार हो गया है, और ये ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो इसको 10-15 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देते हैं, स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने ये 100 ग्राम पनीर ले लिया है। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो हमने ये पनीर कद्दूकस कर लिया है, ये हमें मोटे वाली साइड से कद्दूकस करना है। अब हम एक मीडियम प्याज है वो भी ऐसे ही कद्दूकस कर लेते हैं। अभी प्याज भी कद्दूकस हो चुके हैं। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच अदरक का और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इसको हम एक कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। तो ये इतना सा घी डाला, बिल्कुल मामूली सा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना हमें इसके अंदर। और घी गरम होने के बाद हमें ये सारा इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर हमें 1/2 टेबलस्पून नमक डाल देना है और 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च डाल देनी है। और इसको 2-3 मिनट के लिए, बस सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको चला लेना है, ताकि इसकी जो कच्चापन है प्याज वगैरह का वो थोड़ा सा निकल जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं, और इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद जिसका पानी तो सूख जाएगा और इसके अंदर कच्चापन निकल जाएगा, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग अब ठंडी हो गई है। तो अब जो हमने आटा तैयार किया था उसको देख लेते हैं। इसको भी रखे हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम लोई ले लेते हैं, छोटी सी लोई लेके इसको ऐसे पतला बेल लेंगे। तो इसकी हमें ऐसे छोटी छोटी रोटी बना लेनी है, पतली, ना ज़्यादा मोटी बनानी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, देखिए ऐसी होनी चाहिए। और इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग इसके अंदर डालेंगे ऐसे, और ऐसे इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे। अब इसकी ऐसे करके इसको शेप दे देंगे। शेप देने के बाद इसको हम ऊपर से ऐसे कर देंगे, तो इसको लॉक कर देंगे। तो ऐसे हमें सारे के सारे अपनी मोमोज तैयार कर लेने हैं, जिस भी शेप में आपको चाहिए। तो ये हम ऐसे तैयार करके अपने सारे मोमोज रख लेते हैं। तो अगर आपको दूसरी शेप के मोमोज चाहिए, तो क्योंकि मोमोज कई शेप में बनाते हैं, जैसे आपको पसंद हो, तो इसमें ऐसे करोगे और इसको ऐसे कर लोगे, पानी से इसको चिपका दोगे, और फिर इसको ऐसे उठाओगे, और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे। तो हमने अपने ये सारे के सारे मोमोज अब रेडी कर लिए हैं। मैंने ये 2 शेप के तैयार किए, ये और ये। बाकी आप चाहे तो जिस भी शेप के तैयार करना चाहते हैं शेप में तैयार कर लीजिए। अब एक कढ़ाई में गर्म पानी कर लीजिए, बिल्कुल तेज। ये मैंने 2-3 गिलास गर्म पानी किया है, या आप एक बड़े टोपिए में, या आपके पास स्टीमर हो, जो भी हो, उस पहले इस पानी को तेज गर्म कर लीजिए। अब आप एक ऐसी प्लेट या फिर ऐसी कोई छलनी, और ये भी नहीं है तो आपके पास ये वाली छलनी ले लीजिए जो आटा छलने वाली है, या फिर कोई स्टीमर अगर आपके पास है तो वो ले लीजिए, अगर ये चीजें हैं। तो इसको क्या करना, आपको सबसे पहले थोड़ा सा चिकना कर लेना इस प्लेट को तेल लगा के। तो देखिए अब ये पानी हमारा बिल्कुल तेज गर्म हो गया है, स्टीम बन चुकी है इसके अंदर। तो अब हमें ये छलनी है जो इसके ऊपर रख देनी है ऐसे, और ये जितने भी मोमोज हमने बनाए थे वो सारे के सारे इसके ऊपर रख देने हैं ऐसे।
ये ऐसे सारे के सारे रखने के बाद कोई भी बड़ा बर्तन इसके ऊपर आप उल्टा कर लीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए ताकि कोई स्टीम बाहर ना जाए, अंदर वाली स्टीम बाहर आ जाएगी, स्टीम बाहर ना जाए, इसलिए हमने बड़ा बर्तन इसके ऊपर रख दिया है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी बना सकते हैं। तो हमें ये ऐसे 20 मिनट के लिए रख देने हैं। हम इसे 20 मिनट के बाद अब चेक करेंगे कि ये कैसे तैयार हो रहे हैं। हमारे इन मोमोज पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम इनको देख सकते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो ये अब अच्छे से बन चुके हैं। तो ये हमारे सारे मोमोज हमने अपने अपने प्लेट में निकाल लिए हैं। तो इन्हें आप मेयोनीज के साथ और लहसुन की लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म खाइए। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ये हमने पनीर मोमोज बनाए थे, अगर आपको वेज मोमोज बनाने हैं तो जो इसकी स्टफिंग है उसके अंदर आप पनीर, शिमला मिर्च, गोभी और पत्ता गोभी को कद्दूकस करके इसके अंदर वो स्टफिंग फिल कर सकते हैं, और सोया सॉस डालना तो थोड़ा सा उसके अंदर सोया सॉस डाल के वो स्टफिंग फिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।